नमस्कार, मैं शिवानी, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं सुर्खियों पर। बिहार में स्लैब सिस्टम होगा खत्म, एक समान बिजली दर होगी लागू, मंजूरी मिलने के बाद 1 अप्रैल से होगा प्रभावी। बिहार में पर्यटन नीति सुधार की मांग, बिहार में 2 और 3 स्टार होटलों पर अनुदान, उद्यमियों की पर्यटन नीति में बदलाव की मांग। बिहार के 23 अधिकारी बने ऑब्जर्वर, चुनाव आयोग ने सौंपी नई जिम्मेदारी, झारखंड महाराष्ट्र चुनाव में बिहार के अधिकारी। सक्षमता परीक्षा 2.0 का परिणाम जारी, सक्षमता परीक्षा में 81.42% शिक्षक पास, विशिष्ट अध्यापक बनेंगे ये अभ्यर्थी। मुंबई में सचिन का अंतिम टेस्ट मैच, आज ही के दिन क्रिकेट से ली थी विदाई, मुंबई की सड़कों पर पसर गया था सन्नाटा। अब चलिए बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। सोनपुर मेला के प्रसिद्ध हरिहर क्षेत्र में आज शाम भोजपुरी और मैथिली गायिका मैथिली ठाकुर अपनी प्रस्तुतियों से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध करेंगी। पिछले वर्ष की तरह इस बार भी उनके भजनों और लोकप्रिय गीतों जैसे दमादम मस्त कलंदर और छाप तिलक सब छीनी रे से मेला स्थल पर समा बंधेगा। पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित इस रंगारंग कार्यक्रम में भारी भीड़ उमड़ने की उम्मीद है। सोनपुर मेला जो धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन के लिए प्रसिद्ध है, उसमें पर्यटकों का उत्साह देखने को मिल रहा है और मैथिली ठाकुर की प्रस्तुति का श्रोताओं को बेसब्री से इंतजार है। बिहार में बिजली दर में बदलाव की योजना है, जिसमें स्लैब सिस्टम खत्म किया जाएगा। अब चाहे जितनी भी बिजली खपत हो, सभी उपभोक्ताओं के लिए दर समान होगी। बिहार विद्युत विनियामक आयोग को इस बदलाव का प्रस्ताव सौंपा गया है, जो 1 अप्रैल 2025 से लागू होगा। उससे पहले राज्य में 4 स्लैब होते थे, जो अब घटकर 2 रह गए हैं, 1 ग्रामीण और 1 शहरी क्षेत्र के लिए। अभी ग्रामीण इलाकों के घरेलू उपभोक्ताओं को 1 से 50 यूनिट के बीच बिजली खपत करने पर 2.60 रुपये से प्रति यूनिट, तो इससे अधिक खपत करने पर 3 रुपये प्रति यूनिट के अनुसार बिजली बिल देना पड़ रहा है। वहीं शहरी क्षेत्र के घरेलू उपभोक्ताओं को 1 से 100 यूनिट के बीच खपत होने पर 4.27 रुपये प्रति यूनिट, तो 100 यूनिट से अधिक खपत होने पर 4.36 रुपये प्रति यूनिट देना पड़ रहा है। यदि आयोग ने इसे मंजूरी दी तो अगले साल से सभी उपभोक्ताओं के लिए एक समान बिजली दर लागू होगी। सक्षमता परीक्षा 2.0 के दूसरे चरण का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। कुल 80,713 शिक्षकों में से 65,716 शिक्षक पास हुए हैं, जिनमें कक्षा 1 से 5 में 81.45%, कक्षा 6 से 8 में 81.41%, कक्षा 9 से 10 में 84.20% और कक्षा 11 से 12 में 71.4% शिक्षक पास हुए हैं। परीक्षा में 81.42% शिक्षक उत्तीर्ण हुए हैं। परीक्षा में कुल 59 विषयों की हुई थी और रिजल्ट देखने के लिए सबसे पहले बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट www.bseb.com पर जाएं। पास होने वाले शिक्षक राज्य कर्मी का दर्जा पाएंगे और बेहतर वेतन, पेंशन, स्थानांतरण की सुविधा, स्वास्थ्य बीमा और अन्य लाभ मिलेंगे। ये विशिष्ट अध्यापक के रूप में नियुक्त होंगे। पटना यूनिवर्सिटी PU ने नेशनल रिसर्च फाउंडेशन ANRF की ताज़ा सूची में 99वां स्थान प्राप्त किया है, जिससे बिहार का पहला विश्वविद्यालय बनने का गौरव प्राप्त हुआ है। ANRF का उद्देश्य अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देना है और इसमें शामिल होने से PU को वित्तीय और तकनीकी सहायता मिलेगी। यह स्थान NIRF की स्टेट यूनिवर्सिटी कैटेगरी में 51 से 100 के बीच रैंक मिलने के कारण मिला है। अब PU को शोध कार्यों के लिए फंडिंग के प्रस्ताव भेजने का मौका मिलेगा, जिससे शोध की गति तेज होगी और विश्वविद्यालय का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शन बेहतर होगा। बिहार के राजगीर में चल रही एशियन विमेंस हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी में आज भारत और चीन के बीच एक रोमांचक मुकाबला होगा। दोनों टीमें अब तक टूर्नामेंट में अजेय है और इस मैच के परिणाम से सेमीफाइनल में पहुंचने की दिशा तय होगी। भारत की दीपिका टूर्नामेंट की टॉप स्कोरर हैं, जबकि चीन की टैंग ने भी शानदार प्रदर्शन किया है। इस दिन के अन्य मैचों में जापान और मलेशिया और कोरिया और थाईलैंड के बीच भी कड़ी टक्कर होगी। भारत और चीन के मुकाबले की टाइमिंग शाम 4:45 है।
बिहार में चल रहे पैक्स चुनावों में वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की शिकायतें बढ़ रही हैं। मतदाता सूची में नाम बदलने, विरोधियों के नाम हटाने और समर्थकों के नाम जोड़ने के आरोप लग रहे हैं। इसके कारण राज्य निर्वाचन प्राधिकार ने अब तक 46 पैक्सों के चुनाव स्थगित किए हैं। शुक्रवार को 7 और पैक्सों के चुनाव टाल दिए गए हैं, जिनमें बक्सर, सिवान, पश्चिम चंपारण, कैमूर, अररिया और औरंगाबाद जिला शामिल है। दूसरे चरण का नामांकन 16 नवंबर तक चलेगा, जबकि मतदान 27 नवंबर को होगा। चुनाव प्रक्रिया में गड़बड़ी के कारण और पैक्सों के चुनाव स्थगित हो सकते हैं। पर्यटन निदेशालय सभागार में शुक्रवार को आयोजित बैठक में नई पर्यटन नीति के तहत निवेश बढ़ाने पर चर्चा हुई। इस बैठक में बिहार के उद्यमियों ने राज्य की नई पर्यटन नीति में सुधार की मांग की है। उन्होंने सुझाव दिया कि छोटे शहरों और अनुमंडल स्तर पर 2 स्टार और जिला मुख्यालय में 3 स्टार होटल निर्माण पर अनुदान मिलना चाहिए। पर्यटन नीति 2023 के तहत राज्य में 4 स्टार होटलों के निर्माण या उन्नयन पर 30% तक की सब्सिडी दी जाती है, लेकिन उद्यमियों ने इसे 2 स्टार होटलों तक लागू करने की मांग की है। साथ ही प्रोजेक्ट एक्सपेंशन के लिए 50% के न्यूनतम योजना लागत को घटाकर 25% किया जाना चाहिए। सचिव लोकेश कुमार सिंह ने इन पर विचार करने का आश्वासन दिया है। भारत निर्वाचन आयोग ने बिहार के 23 अधिकारियों को झारखंड और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की मतगणना के कार्य में नियुक्त किया है। इन अधिकारियों को उप सचिव से लेकर संयुक्त सचिव तक के पदों पर ऑब्जर्वर के रूप में जिम्मेदारी दी जाएगी। चुनाव आयोग के निर्देश पर बिहार सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने इन अधिकारियों की सूची निर्वाचन आयोग को सौंप दी है। इन अधिकारियों को 21 नवंबर तक रिपोर्ट करना होगा और मतगणना 23 नवंबर को होगी। मतगणना के कार्य में नियुक्त किए गए अधिकारियों में अमित कुमार, सुशांत कुमार, राम कुमार पोद्दार, मदन कुमार, डॉक्टर गगन कुमार, नजर हुसैन जैसे 23 नाम शामिल हैं। 1 दिसंबर को पटना में नशा मुक्ति के संदेश के साथ एक मैराथन का आयोजन होगा। इस आयोजन में भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल भी भाग लेंगी, जिसमें 4 श्रेणियों में दौड़ होगी। 42 किलोमीटर फुल मैराथन, 21 किलोमीटर हाफ मैराथन, 10 किलोमीटर और 5 किलोमीटर का मैराथन। मैराथन का उद्घाटन गांधी मैदान से होगा और प्रतिभागियों को जेपी गंगा पथ, खास महल, दीघा दियारा, इंदिरा नगर, गोलघर आदि स्थानों से होकर दौड़ना होगा। विदेशों से धावक इथियोपिया, केन्या और श्रीलंका से भी शामिल होंगे। ऑनलाइन निबंधन 23 नवंबर तक www.biharmarathon.com पर किया जा सकता है। बेतिया पुलिस ने कंगली थाना क्षेत्र से एक नेपाली नागरिक को गिरफ्तार किया है। उसके पास से 55,600 रुपये मूल्य के जाली भारतीय नोट बरामद हुए हैं। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर शौर्य सुमन के निर्देश पर मादक पदार्थों, जाली नोटों और अवैध शराब के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत यह कार्रवाई की गई। आरोपी लवकुश कुमार सिंह नेपाल के परसा जिले का निवासी है और पुलिस का मानना है कि वह इन जाली नोटों को भारत में खपाने की कोशिश कर रहा था। पुलिस मामले की जाँच कर रही है और आरोपी के अन्य संपर्कों का भी पता लगा रही है। रूस में आयोजित ब्रिक्स युवा साइंटिस्ट फोरम में भारत के 12 युवा वैज्ञानिकों का चयन हुआ, जिसमें IIT पटना के सहायक प्रोफेसर डॉक्टर अभिनव कुमार सिंह भी शामिल हैं। यह फोरम विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में वैश्विक समस्याओं का समाधान खोजने का प्रयास करता है। डॉक्टर सिंह की रिसर्च आधुनिक इंजीनियरिंग समस्याओं को गणितीय तरीकों से हल करने पर आधारित है। उन्होंने पहले मैकगिल विश्वविद्यालय और IIT इंदौर व IIT मंडी में शोध किया। फोरम में डॉक्टर सिंह तकनीकी विकास को टिकाऊ और पर्यावरण अनुकूल बनाने पर अपनी रिसर्च प्रस्तुत करेंगे, जिससे भारत के वैज्ञानिक समुदाय को गर्व हुआ है। बिहार में अप्रैल 2016 से लागू शराबबंदी अपने उद्देश्य में असफल रही है, क्योंकि इससे शराब तस्करी में बढ़ोतरी हुई है। पटना हाई कोर्ट ने शराबबंदी की विफलता पर सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि यह तस्करी और अनधिकृत व्यापार को बढ़ावा दे रही है। कोर्ट के अनुसार अफसर शराबबंदी से पैसे कमा रहे हैं और गरीब लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं। अदालत ने यह भी कहा कि शराब पीने वाले गरीबों के खिलाफ मामले अधिक दर्ज होते हैं, जबकि तस्करों और सिंडिकेट संचालकों के खिलाफ कार्रवाई होती है। प्लूरल्स पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पुष्पम प्रिया चौधरी ने बीते दिन बोधगया में महायान यात्रा का उद्घाटन किया। उन्होंने 2020 के चुनाव को बिहार में बदलाव का कदम बताया और कहा कि 2025 में उनकी पार्टी बिहार की सभी सीटों पर चुनाव लड़ेंगी। प्रिया चौधरी ने कहा कि बिहार को सतही परिवर्तन नहीं बल्कि वास्तविक बदलाव की ज़रूरत है। उन्होंने चेंज की बजाय ट्रांसफॉर्मेशन की बात की और यह भी कहा कि CM की कुर्सी किसी की बपौती नहीं है। उनका अभियान प्रदेश
प्रदेश भर में जारी रहेगा और पार्टी विकास के लिए काम करेंगी। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का आज जन्मदिन है और उन्हें देश भर से बधाइयां मिल रही हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और गृह मंत्री अमित शाह ने फोन करके सम्राट चौधरी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। इसके अलावा बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और अन्य नेताओं ने भी उन्हें बधाई दी। सम्राट चौधरी जो बिहार सरकार में उप मुख्यमंत्री के पद पर कार्यरत हैं, 16 नवम्बर 1968 को मुंगेर में जन्मे थे। उन्होंने 1999 में कृषि मंत्री और 2014 में शहरी विकास मंत्री के रूप में भी कार्य किया था। 16 नवंबर 2023 को मुंबई की सड़कों पर अजीब सा सन्नाटा था क्योंकि क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर अपने करियर का आखिरी टेस्ट मैच खेल रहे थे। वानखेड़े स्टेडियम में भारत और वेस्टइंडीज के बीच खेला जा रहा यह मैच सचिन के लिए ऐतिहासिक था। सचिन ने अपनी आखिरी पारी में 74 रन बनाए लेकिन शतक से चूक गए। उनके विदाई मैच में सैमी जैसे विरोधी खिलाड़ी भी सम्मान से भर गए। सचिन की भावुक स्पीच और मैदान पर उनका अंतिम विदाई पल क्रिकेट प्रेमियों के लिए अविस्मरणीय बन गए। सचिन के 24 साल के करियर में उन्हें क्रिकेट का महानतम बल्लेबाज बना दिया। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब में कमेंट सेक्शन में लिखकर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है कुश कुमार यादव, कौशलेंद्र कुमार सिन्हा, उमेश ऋषिदेव, अनवर करीम खान, धनंजय कुमार, शानवी गुप्ता, वेद प्रकाश सिंह, कौशलेंद्र कुमार सिन्हा और रवि मोहन वर्मा। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि क्या आपको भी लगता है कि शराबबंदी से सबसे ज़्यादा असर गरीबों पर पड़ रहा है? अपना जवाब में कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। धन्यवाद।